अमेरिका का व्हाइट हाउस देखना हो तो मुजफ्फरनगर चले आइए। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर देखना हो तो मुजफ्फरनगर के गांधी कॉलोनी चले आइए। दिल्ली का लाल किला भी यहीं देख सकते हैं और हाँ, राफेल के भी दीदार कर लीजिए। आप कहेंगे कि आखिर मुजफ्फरनगर में ये सारी ऐतिहासिक चीजें कैसे चली आई, लेकिन ये सच है। आजकल इन चीजों को देखने के लिए लोग मुजफ्फरनगर के गांधी कॉलोनी में रहने वाले तुषार शर्मा के घर आते हैं। यहाँ तुषार शर्मा के घर सभी चीजें मौजूद हैं और ये सब तुषार ने अपनी मेहनत से तैयार किया है। स्कूलों में आपने बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाते बच्चों को देखा होगा, लेकिन तुषार ने जो किया है वो किसी कीर्तिमान से कम नहीं है। तुषार ने अखबार की रद्दी से ये सब कुछ तैयार कर दिया है। ये बेशक अखबार की रद्दी के मॉडल हों, लेकिन ये भारत की धार्मिक सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं। इन मॉडलों में कहीं ना कहीं भारतीय जनमानस की सोच की झांकी भी दिखाई देती है। खास बात ये है कि तुषार ने घर में पड़ी बेकार की रद्दी पेपर से ये सब तैयार किए हैं। जाहिर है कड़ी मेहनत से तैयार किए गए तुषार के व्हाइट हाउस, लाल किला और राफेल जैसे मॉडल आजकल शहर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। खास बात ये है कि तुषार बीकॉम फर्स्ट ईयर के छात्र हैं। जब लॉकडाउन के समय सब कुछ थम सा गया था, तभी उसने खाली समय में अखबारों की रद्दी के साथ अपने हुनर का इस्तेमाल करना शुरू किया। मैंने व्हाइट हाउस बनाया जो अमेरिका में है। कितनी स्टिक लगी? इसमें मैंने 1800 स्टिक लगाई है न्यूज़पेपर की। कितना समय लगा इसमें बनाने में? इसमें मेरे को कम से कम 2-3 हफ्ते लग गए बनाने में। इससे पहले कुछ बनाया आपने? हाँ, मैंने इससे पहले काफ़ी मॉडल बनाया। राफेल का मॉडल बनाया, चरखे का मॉडल बना चुका हूँ मैं। भगवान श्री राम का मंदिर बनाया जो अभी अयोध्या में है, मैंने उसका भी मॉडल बनाया था। और इंडिया गेट भी बनाया था मैंने, लाल किला भी मॉडल, काफ़ी मॉडल बना चुका हूँ। तुषार ने पहला सबसे बड़ा मॉडल भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का बनाया और यहीं से उनके हुनर को पंख मिल गए। लॉकडाउन में ही खाली बैठा था तो मैंने सबसे पहले पेंसिल स्टैंड बनाया था। छोटी छोटी चीज़ें बनाई थी, रिक्शा ट्रैक्टर, ऐसे ऐसी छोटी मोटी चीज़ें बनाई थी। फिर मैंने स्टार्टिंग भगवान श्री राम का मंदिर बनाया था, सबसे बड़ा मॉडल। वहीं से मैंने इसकी स्टार्टिंग करी थी, बड़े बड़े मॉडल की। और अब तक मैं इतने सारे मॉडल, कम से कम 7-8 मॉडल बना चुका हूँ और अब मैंने व्हाइट हाउस का मॉडल बनाया है। तुषार ने साबित कर दिया कि हर इंसान में कोई ना कोई खास चीज होती है जिसे एक्स फैक्टर भी कहते हैं। बस जरूरत है उसे पहचानने की और उसे निखारने की, फिर इंसान अपनी मंजिल खुद तय कर लेता है।